ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब ये कॉलर है हमारे साथ हरियाणा से, मोहन, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका। मैडम नारनौल से बोल रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी प्रणाम। धन्यवाद भैया। हाँ, डेट ऑफ बर्थ आचार्य जी 16/10/1967 जी, और सुबह का 9:30 बजे। बोले आप कहाँ का जन्म है? नारनौल। नारनौल नागौर जी। समय बताइए। सुबह 9:30 बजे। ठीक है, प्रश्न कर लीजिए। आचार्य जी बीमार बहुत रहता हूँ, एक बीमारी हटती है दूसरी फिर चालू हो जाती है, कभी कोई कभी कोई। जी 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 बिल्कुल, आपकी कुंडली भी यही कह रही जो आपने एक्सेप्ट किया है। शुक्र की महादशा आपकी चल रही है और चंद्रमा शनि एक साथ आपके जन्मांक में दूषित अवस्था में बैठे हैं। चंद्र शनि का विषयोग यह कई प्रकार से मानसिक रूप से बीमार कर देता है। वही तो है आप, और पंचम भाव में योग बन रहा है। पंचम भाव स्टमक का होता है, डाइजेशन सिस्टम का होता है, जहां पर शनिदेव बैठे हैं, और शनि के साथ चंद्रमा की उपस्थिति, भाग्येश की उपस्थिति ठीक नहीं है। भाग्य को दूषित कर रहा है शनि तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के। दो दो सर्जरी के चांसेस हैं। शुक्रवार के दिन व्रत करके कुछ मिष्ठान का वितरण करवाइएगा। बुधवार को किन्नर को कुछ वस्त्र आदि का दान करिएगा और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करिएगा। स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा, भाग्य में भी वृद्धि होगी। और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है आपके अपने इस लकी अक्षर की। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं लकी अक्षर। चलें अपना लक लेके चलो। मेष राशि, याक्षर और वृषभ के लिए ड स्क्रीन पर देखिएगा। मिथुन राशि के लिए गाक्षर और कर्क के लिए रा। सिंह राशि के लिए भाक्षर है और कन्या राशि के लिए वा। तुला राशि के लिए छोटा ऊ और वृश्चिक के लिए छोटी ई। धनु राशि के लिए ज्ञाक्षर और मकर के लिए वा। कुंभ राशि के लिए लाक्षर है और मीन राशि के लिए शा। अब आप रख लें इसको, 24 घंटे के लिए हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, आपका भाग्य जरूर साथ देगा। तो ये तो रहा राशि अनुसार आपका लकी अक्षर, लेकिन राशि अनुसार उनका भाग्यफल भी बता देते हैं आचार्य जी। जरूर, चलिए राशि अनुसार जान लीजिए अपना अपना राशिफल, यानी कि मेष से लेकर कन्या तक का हाल। कन्या तक का हाल जानेंगे और बहुत जल्द ग्रहों का धमाल भी आप तक पहुंचने वाला। इंतजार करिएगा, दिल की धड़कनों को थाम कर कागज कलम लेकर रिकॉर्डर लेकर बैठिएगा। ऐसी जानकारी अन्यत्र असंभव है। असंभव मतलब असंभव। मेष राशि, रुके हुए धन की प्राप्ति हो रही है। विदेश यात्रा का योग भी बना हुआ है आज के दिन। जामुनी रंग की शुभता रहेगी, 79% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ, संतान पक्ष से खुशियां मिलेंगी, सुख मिलेगा, मन में शंका पैदा हो सकती है, डाउटफुल नेचर रहेगा, गुलाबी रंग की शुभता और 73% का भाग्य। मिथुन, मित्रों का सहयोग मिल रहा, विवादों से बचने की आवश्यकता है, बादामी रंग की शुभता रहेगी, 71% का भाग्य साथ देगा। कर्क राशि, बहुत मन को भटका लिया, मन में स्थिरता लाए, रुके धन की प्राप्ति हो रही, मेहरून रंग की शुभता है, 59% का भाग्य। सिंह राशि, आज अपने चिर परिचित मित्र क्रोध को अपने वश में रखिएगा, यात्रा का योग कत्थई रंग की शुभता और 72% का भाग्य साथ दे रहा है। कन्या राशि, नए व्यापार का योग है, गुस्से पर काबू रखें, गुलाबी रंग की शुभता रहेगी, 67% का भाग्य रहेगा। तुला से लेकर मीन तक वाले भी थोड़ा सा इंतजार करें, बताएंगे आचार्य जी। हमारे पास बहुत सारी मेल भी आती हैं। हाँ। अगर आप भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी जो आप इस तरह से मंच पर फोन पर नहीं बता सकते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं कल atm@liveindia.tv के ऊपर, आपके सामने फ्लैश भी होगा टीवी स्क्रीन पर। वो अभी एक मेल है आचार्य जी, बहुत ही संजीदा किस्म की ये मेल है, और विनायक है जिन्होंने अपने भाई के बारे में ये मेल भेजी है। अपना उनका डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, 17 जुलाई 1990 जी, 7:10 सुबह के जी।
और भिवंडी डिस्ट्रिक्ट है थाने की, वहां से ये जन्म का स्थान है इनके भाई का। ये इनके जो भाई हैं किसी लड़की को चाहते थे, लेकिन किसी के भड़काने की वजह से दोनों परिवारों में शादी तक की बात हो गई थी, लेकिन अभी शादी टूट गई है, जिसके चलते इनके जो ब्रदर हैं वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए हैं और कई बार आत्महत्या की कोशिश कर चुके हैं। अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी है। वो जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, ये शादी हो पाई या नहीं, क्योंकि इनका भाई बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया। विनायक नाम है, विनायक ने मेल भेजी है अपने भाई के बारे में। अच्छा। भाई का नाम बताना नहीं चाहते हैं। अच्छा 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 जी। विनायक जी, देखिए आपके भाई की कुंडली मजबूत है, पहली बात तो ये जानिएगा कि इनकी आयु बहुत लंबी है, तो मरने मारने वाली बात, आत्महत्या का प्रयास वो सब भूल जाइए, आप चिंता ना करिए। इनकी आयु 70 से ऊपर है। हम वैसे तो आयु के आकलन के लिए संख्या नहीं बताई जाती, लेकिन हमने आपको निश्चिंत करने के लिए बता दिया। नंबर दो, विवाह के निमित्त आपने प्रश्न किया है, उस कन्या के साथ विवाह इनका नहीं होगा, ये अंतिम सत्य है, ऐसा इनका जन्मांक बता रहा है। दूसरी बात, ये विदेश चले जाएंगे, स्थायी निवास विदेश में रहेगा। बृहस्पति शुक्र इनके विदेश भाव को बहुत मजबूत बना रहे हैं, बहुत अच्छी नौकरी पाएंगे, एकदम निश्चिंत रहें। थोड़ा सा वक्त इनको दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए। मार्च 17 के बाद इनका भाग्योदय हो जाएगा, तो 12-13-15 महीने करीब इनको संभालना होगा। कुछ दिन मन बहलाने के लिए कहीं पर आप ले जाएं, इनको घुमा टहला लाएं, जल्दी ही इसे कवर अप कर लेंगे, मूव ऑन कर लेंगे। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम के, हम फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब, लाइव इंडिया ऐप के साथ सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप, हथेली पर दुनिया, डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि बहुत सारी चर्चा हमने की जीजा साली के रिश्ते को लेकर, कर्म भी बताया आचार्य जी ने, सुधारने के लिए भी बताया और कुंडली का नजरिया भी देखा कि किस तरह का रहता है। लेकिन अगर महा उपाय की बात की जाए, ये पत्नी करेंगे महा उपाय आचार्य जी? पुरुष भी कर सकता है अगर सुधार चाहे, अगर वो खुद में सुधार चाहे, वरना पत्नियां तो कर ही सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो महा उपाय भी। चलिए महा उपाय लेते हैं, एक ऐसा उपाय जो पूरी तरह से आपको, आपके मस्तिष्क को, आपके पति के मस्तिष्क को शुभता की तरफ सोचने के लिए विवश करेगा। एक मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है। मंगल और शुक्र यही भटकाव डालते हैं, और मिट्टी के पात्र से मंगल और गुड़ से हमने शुक्र को कंसीडर कर लिया। एक रुई में इत्र लगाकर उसके अंदर डाल दीजिएगा, कॉटन में इत्र लगाकर उसमें डाल दें, और 7 चुटकी काले तिल डालें। शनि को लाना यहां अनिवार्य इसलिए था क्योंकि यह गुप्त रिश्ता है, यह हिडन है। सामने रखकर देवी कवच का 3 आवृत्ति पाठ कर ले, 3 बार पाठ करना है देवी कवचम का। गायत्री मंत्र की भी 2 माला जाप अनिवार्य रहेगा, क्योंकि यही मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो मंत्रों का काम धेनु कहा गया है, जिसके जाप करने से बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित किया जा सकता है।
इसके बाद इस पात्र को, उस मिट्टी के छोटे से बर्तन को, कुल्हड़ जैसा या कोसिया जैसा, कोसी भी कहते हैं, वह लाल कपड़े में रख करके बांध लीजिए और ले जाकर के हनुमान मंदिर में रख आइए। कहीं पर भी रख दीजिए, मंदिर के प्रांगण में। पंडित जी लोग कई बार मनमानी करते हैं तो मूर्ति के पास नहीं रखवाते हैं, मत रखवाएं मर्जी। आप हनुमान लिख करके कागज पर रख दीजिए, काम चल जाएगा, मंदिर की जरूरत ही नहीं है। सैकड़ों विकल्प हैं, आप चिंता ना करिएगा, जितना हम बताएं करिए। एक दिन में रिजल्ट की गारंटी दे रहा हूं, एक दिन विदिन डे आपको परिणाम दिखेगा, मस्तिष्क में सद्विचार आएंगे और शुभता की वृद्धि होगी। और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है किचन पिटारे की, आइए जान लेते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिसरी सी बात हवाएं कानों में कह जाए। तो अक्सर आप इस चीज से परेशान हैं कि आपकी हर बात को लोग अदरवाइज ले लेते हैं, अन्यथा ले लेते हैं। आप कहना कुछ क्या चाहते हैं वो सामने वाला समझ कुछ जाता है। अगर इस तरह की परेशानी से आप लगातार जूझ रहे हैं तो ये किचन पिटारा सिर्फ आपके लिए है। आइए जानते हैं कि आपकी रसोई घर से कौन सी सामग्री निकलकर आ रही है आपका समाधान करने के लिए। जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप सोच कर कहते हैं अपनी बातों को, सामने वाला उसी तरह से उस बात को ले। उसके लिए इस पिटारे के अंदर है क्या, देखिएगा स्क्रीन पर अपने। चीनी, चीनी से आज हम बताएंगे आपको कि कैसे एक प्रयोग छोटा सा आपके लिए आपकी बातों को मजबूत करवाएगा। गन्ने से निर्मित होने वाली चीनी कैलोरी इसके अंदर भरपूर होती है, वैसे ज्यादा सेवन हानिकारक भी होता है, खासतौर पर डायबिटिक पेशेंट जो है। मिठाई बनाने के लिए चीनी ही उसको मीठा बनाती है। ग्रहों की बात करें तो शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव इसके साथ कनेक्टेड होता है। चलिए अब उपाय लीजिए आप। एक कटोरी में 11 चुटकी चीनी डालना है, चुटकी इस तरह से बनाई जाती है। 3 बूंद शहद और 3 तुलसी के पत्ते भी डाल दीजिएगा, स्क्रीन पर देखते रहें। सामने रख करके भगवान श्री गणेश के मंत्र की 3 माला जाप कर लीजिए, जैसे ओम गंग गणपतये नमः, छोटा सा मंत्र है, और गंगा जल का 3 बार इस कटोरी के अंदर छिड़काव करिए। इसके बाद जल डाल करके और इसको पूरा आप पी जाएं और 3 दिन तक इस प्रयोग को लगातार करिएगा। आपकी बात सामने वाला अदरवाइज नहीं लेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसी ही आपकी बात ली जाएगी। और चलिए अब जान लेते हैं बाकी बचा राशिफल, यानी कि तुला से लेकर मीन तक का हाल। तुला राशि वालों के लिए नए रिश्ते बनने आरंभ हो सकते हैं, आज रुके हुए कार्य पूर्णता की तरफ जाएंगे। बादामी रंग आपके लिए शुभ होगा, 72% का भाग्य साथ देगा। वृश्चिक राशि, धन के नए नए सोर्स खुलेंगे आज, महिलाओं से सतर्क है, सफेद रंग की शुभता है, 79% का भाग्य है। धनु राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा का योग, जामनी रंग की शुभता है, 76% का भाग्य होगा। मकर, लोगों से मेलजोल बढ़ेगा लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, नीला रंग शुभ है, 69% का भाग्य है। कुंभ राशि, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, उलझनों से बचें, काला रंग शुभ होगा, 56% का भाग्य सानिध्य में होगा। और अंतिम राशि मीन की बारी, यात्रा का योग है, अपनों का सहयोग मिलेगा, आसमानी रंग शुभ होगा, 87% का भाग्य आपके साथ होगा। नासिक से हमारे साथ हेमलता जुड़ी है, उनसे हम बात करेंगे। हेमलता जी स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्कार कैली जी। श्री राधे। हेमलता जी श्री राधे। मैं सबसे पहले आपको एक फीडबैक देना चाहती हूँ। बताएं फीडबैक। आपने एक रिश्ते के बारे में बताया था ना, जिस पर कन्या का रिश्ता नहीं हो रहा हो, तो हाँ। उसका मैंने अपनी भांजी के लिए किया। हाँ। तो उनका 8 ही दिन में रिश्ता हो गया। 8 ही दिन में फोन कर रिश्ते की बात सच्ची हो गई। बहुत पंडित जी आपका है, बहुत अच्छा सीरियल आता है, हमको बहुत खुशी है इस बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विश्वास के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग का विश्वास फल देता है,
हम बताते सबको हैं, लेकिन जिसका जितना जैसा विश्वास होता है उसी अनुसार उसको फल मिलता है। पंडित जी आपके प्रयोग बहुत अच्छे रहते हैं, छोटे रहते हैं और बहुत फायदे रखते हैं। आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी मेरा दूसरी बार कॉल लगा है और इनका बर्थ डेट है 28/2/1976। जी और टाइमिंग है रात 12:30 बजे रात्रि का। जी और स्थान है बामनिया, जिला झाबुआ एमपी। जिला झाबुआ एमपी, झाबुआ एमपी। जी मेरा सवाल है, बताइए इनकी कुंडली में क्या दोष है? और दूसरा मैं पूछना चाहती हूँ कि इनके बिजनेस में मतलब कोई भी प्रगति नहीं होती है। जी तो बिल्कुल देखिए, वृश्चिक लग्न इनका है और कुंडली के दोष नहीं तलाशने चाहिए, दोष अपने आप सामने आ जाता है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र है। अब चतुर्दशी का जन्म ही एक अपने आप में दोष है, क्या कर सकते हैं। आप अच्छाइयां तलाशें, जब हम अच्छा देखते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा ही मिलता है। देखिये व्यापार शुभ रहे इनके लिए, हर मंगलवार के दिन बूंदी का प्रसाद जरूरतमंद बच्चों में बटवाइएगा हनुमान मंदिर में चढ़ाकर। केले के पौधे की परिक्रमा इनके लिए शुभ होगी बृहस्पति की महादशा 2019 तक, तब तक यह परिक्रमा ये लगातार करते रहे, सुबह खाली पेट करने सर्वोत्तम रहेगा। और पीपल के पत्ते पर कुछ रख करके पहला आहार ग्रहण करें, यूनिक एक्सपेरिमेंट है, तत्काल इसका असर दिख जाएगा। और चलिए यहां पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम बताएंगे कि आपकी मेहनत से जमा किया हुआ पैसा कहीं ना कहीं बीमारियों में दवाइयों में खर्च हो जाता है, तो इसके निवारण हम आपको बताएंगे आज दोपहर। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। When I was little, I liked to climb trees. And when I grew up, everyone wanted me to climb the corporate ladder. Sitting in a chair and climbing invisible ladders, not my style. I'm passionate about technology and climbing mountains. And this is the only job that lets me do both. It's lonely at the top, but the view, it's incredible. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 मिनट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और एक और मेल है जिस पर हम चर्चा करेंगे आचार्य जी। परवेज शर्मा है जिन्होंने ये मेल हमें पंजाब से भेजी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, 22 जुलाई 1967, 6:55 शाम के, कहाँ का जन्म? होशियारपुर का। ये अपना खुद का काम करते हैं और ये जो काम है इनका हर्बल मेडिसिन है और डेली यूज के जो सामान होते हैं उसका इनका काम है, लेकिन जो इनकी इनकम है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही है। क्या इन्हें कोई और बिजनेस करना चाहिए या इसी बिजनेस को डेवलप करने के लिए कोई उपाय इन्हें करने होंगे? देखिए प्रवेश जी, फिलहाल तो आपकी कुंडली धनु लग्न की है और व्यापार आपके जन्मांक में है ही नहीं, पता नहीं कैसे आप थोड़ा बहुत कमा भी रहे हैं। शुक्र आपका खष्ठेश होकर के नवम स्थान में आ गया, भाग्य से आपको आपका व्यापार नहीं चल पाएगा। हाँ माँ के नाम से कुछ चाहे उनकी प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत आप कर सकते हैं। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा का जन्म है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, शनि की महादशा, ये महादशा भी व्यापारी बना देती है। शनिवार का व्रत करिएगा और शनिवार के दिन कुछ अनाज का दान जरूरतमंदों में और कंबल का दान विकलांगों में, ये दोनों कर देंगे आप तो जल्दी आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, व्यापार में कुछ हद तक बढ़ोतरी हो ही जाएगी। नासिक से नीरज जुड़े हैं, नीरज जुड़ी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। नीरज जी स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्कार आचार्य जी,
किरण एक्सपर्ट। श्रीराधे श्रीराधे बहुत आशीर्वाद। आचार्य जी मैं तो बहुत सौभाग्यशाली मैं चाहता हूँ, मुझे साक्षात भगवान जी से दर्शन हो गया। आभार आपका, बहुत बहुत आभार। अरे मैं भगवान से बहुत आभार हूँ और मुझे दूसरा रूप आप भगवान के दिखता। आप हमें इंसान ही रहने दीजिए, आप लोग का हृदय हमारे लिए बहुत है, वहीं बसा के रखिएगा, बस उसी समय बहुत कुछ मिल जाएगा। बताएं किसके विषय में जानना है। हाँ प्रणाम आचार्य जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। 14 फरवरी 99 का है जी। शाम 6:34 जी। और राशि क्या है, कहाँ का जन्म? रांची झारखंड। रांची जी जी। और मेरा 3 क्वेश्चन है गुरु जी। जी मुझे, मेरा बेटा भी 11th में है, बायोमेडिकल लिया हुआ है। बायोमेडिकल जी जी। हाँ वो किस फील्ड में जाएगा जी, और मेडिकल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, किस फील्ड में जाएगा। सेकेंड उसका भविष्य कैसा रहेगा, कैसी लड़की की शादी होगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा, और स्वस्थ आचरण। स्वस्थ आचरण बिल्कुल। देखिए इनका सिंह लग्न है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी का जन्म उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, मंगल की महादशा, मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा। आचरण का ठीक ठाक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र चूंकि कुंभ राशि में बैठा है तो गुप्त रूप से कहीं न कहीं इन्वॉल्व कर देता है। सूर्य साथ में है, इसका थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा। रविवार के दिन बच्चे से व्रत करवा लीजिएगा, 16 साल का बच्चा हो चुका है। और राहु के लिए गौदान और गौ माता की सेवा, डॉक्टर बन रहा है, निश्चिंत रहें, मेडिकल क्षेत्र इसके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और जाने से पहले आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक की हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। आचार्य जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, इतनी खास जानकारियां इन दिनों आप दे रहे हैं। लेकिन दर्शकों हम कल सुबह भी बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। कल सुबह हम बताने वाले हैं देवरानी जेठानी के बारे में, और ये रिश्ता कहने को बहने लेकिन कंपटीशन बहुत रहता है। बहुत टेंशन रहता है। 3,000 की साड़ी लाई तो मेरे को 6,000 की होगी। ये कंपटीशन की भावना अगर आप भी कहीं देखते हैं देवरानी जेठानी के अंदर तो जरूर जुड़ेगा कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम के साथ। फिलहाल देखिए झलक, अभी दीजिए हम इजाजत, नमस्कार।